Hello everyone, this is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures and we are continuing the playlist of Neuroanatomy from Snell. Today's topic is Descending Tracts Introduction. So, just we talked about Ascending Tracts, generalized video we talked about uh, what is the general format of Ascending Tract. So, when we say Ascending Tract, it basically means to getting and gathering all the sensory information from the periphery which reaches up to the higher center, this is what is असेंडिंग ट्रैक जब एक दफा आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है सपोज दिस इज दायर सेंटर वंस दायर सेंटर रिसीव द इंफॉर्मेशन बाय द असेंडिंग ट्रैक रिलीज हैं और वो ऑर्डर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सच इज मसल्स तक पहुंचते हैं और ये जो ऑर्डर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं दिस इज वॉट वी कॉल द डिसेंडिंग ट्रैक सो डिस बेसिकली दर्डर फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दैरिफ्रल टिश्यूज सच इज द मसल्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट हमेशा अपने अंदर ऊपर से कोई ना कोई ऑर्डर लेके आए एज द सिंपलेस्ट वर्जन आई कैन टेल यू की दिस इज द हायर सेंटर इस हायर सेंटर में पेरिफेरी से जो इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ गई थी दैट वॉज दी असेंडिंग ट्रैक

ड और ये स्पाइनल हम देख रहे हैं इस्ड के एंटीरियर uh, ग्रेहॉन से मोटर न्यूरोन गोइंग टूवर्ड द मसल में ये जो न्यूरोन आ रहा है दिस इज नॉन एज द मोटर न्यूरोन इनफैक्ट इन इन पर्टिकुलर हम इसको नाम देते हैं लोअर मोटर न्यूरोन लोवर मोटर न्यूरोन इसलिए क्योंकि ये हायर सेंटर पे जाने रहा इट इज कमिंग डाउनवर्ड एंड इट इज गोइंग टूवर्ड पे सो दिस मोटर न्यूरोन च इज बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज द लोअर मोटर न्यूरोन अच्छा इसको या तो हम लोअर मोटर न्यूरोन कहते हैं या द सेम न्यूरोन इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड ऑर्डर न्यूरोन आपको याद है अगर नहीं याद तो मेरी वीडियोस देख लीजिए असेंडिंग ट्रैक्स की जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं कि जब पेरिफ्री से कोई इंफॉमेशन जिस न्यूरॉन के जरिए यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होती थी उसको हम नाम देते थे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाता था ऊपर की तरफ जो थैलमस तक यूजली जाता था और फिर थैलमिस से जो न्यूरोन निकलता था उसको हम नाम देते थे थर्ड ऑर्डर न्यूर डिसेंडिंग uh, ट्रैक में कहानी उल्टी है कहानी उल्टी इस तरह से है कि हायर सेंटर से जो न्यूरॉन आ रहा है नीचे की तरफ उसे हम नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फिर देर इज ए स्मॉल सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और जो न्यूरॉन निकल कर मोटर फाइबर्स मसल्स तक जा रहे हैं या पेरीफ्री तक जा रहे हैं उसे हम नाम देते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ठीक है तो जाते वक्त फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पहले फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन वापसी में ऊपर की तरफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सबसे एग्जिट पर एंड में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। सो पॉइंट ये है कि स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक जो फाइबर्स निकलते हैं उनको या तो हम नाम देते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, या इसी लोअर मोटर न्यूरॉन को और क्या नाम दिया जाता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ओके नाउ द लोअर मोटर न्यूरोन्र कॉन्स्टेंटली बॉम्बारेड बाई द नर्वस इंपल्सिस दैट डिसेंड फ्रॉम द मेड्यूला पॉन्स मिड ब्रेन and the cerebral cortex as well as those and अलॉन्ग देंसरिव फाइबर फ्रॉम दोस्टीरियर हॉर्न ऑफ दुम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरल ऑर्गेडिंग ट्रैक्ट अब देखो बात यह है मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करता हूं ताकि ये एक विजुअल uh, फ्रेम में आपको नजर आ जाए सो लाइक दिस ओके लेट मी रब एवरी थिंग ना वट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज देर आर हायर सेंटर और ये जो हायर सेंटर है दे आर द और ड्रिंक सेंटर्स यहां से ऑर्डर्स रिलीज होंगे वो ऑर्डर्स कहां तक जाएंगे पेरीफरी तक यानी कि मसल्स तक फॉर एग्जांपल मसल तक जो न्यूरॉन आ रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे हॉर्न से निकला है उसको तो हमने नाम दिया थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लेकिन ये एक्चुअली सिर्फ मैसेंजर है इसके पास जो मैसेजेस आ रहे हैं वो एक्चुअली हायर सेंटर से यहां से आ रहे हैं आइर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं या मिड ब्रेन या पॉन्स या मेड्यूला सो हायर सेंटर से एक न्यूरॉन निकलता है और वो नीचे की तरफ डिसेंट करता है इस न्यूरॉन को हम नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और ये जो न्यूरोन है समटाइम्स स्ट्रेट समटाइम्स ये क्रॉस करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड में एक चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा एक और न्यूरॉन मौजूद होता है इस न्यूरॉन को इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन भी कहते हैं सो so अगर ये देखें ये वाला छोटा सा न्यूरॉन सो दिस न्यूरॉन विच कनेक्ट्स द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन दिस इज द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो एग्जिट कर रहा है तो ये बीच में जो कनेक्टिंग न्यूरॉन है दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन तो ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है इसको इंपल्सिस ऊपर से मिल रही हैं वाया द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑल्सो जो सेंसरी फाइबर होते हैं वो भी यहां इस मोटर न्यूरोली तो बहुत सारे लोगों से मैसेज लेता है किन लोगों से मैसेज लेता है ये मैसेज लेता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन से यह मैसेज लेता इनपुट से और फिर उस मैसेज को कन्वे करता है पेरिफ्रल स्ट्रक्चर मसल तक एक दफा दोबारा जरा इस लाइन को पढ़े लोगों ियर रूट ओके नाउ द नर्व फाइबर वाइट मैटर फ्राम डिफरेंट सुपरा स्पाइनल नर्व सेंटर क्या मतलब हुआ देखो जो ऑर्डर हैं वो सेल कॉर्टेक्स से भी आ सकते हैं वो मिड ब्रेन से भी आ सकते हैं वो हाइपोथेमस के रीजन से भी कहीं से आ सकते हैं वो सेल सेटेक्स uh, से भी आ सकते हैं वो मेड्यूला से भी देर आर डिफरेंट एरियाज ऑल दीज आर नोन एज सुपरा इस्पाइनल सेंटर्स सुपरा स्पाइनल सेंटर्स का मतलब है वो तमाम एरियाज

upper motor neuron lesion lower motor neuron lesion that's very important neurology key you know, this is bread and butter basket for neurology upper मोटर न्यूरोन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरोन लीजन तो आपको बिल्कुल क्लियर बता होना चाहिए लोअर मोटर न्यूरो होते क्या है दीज आर दर्ड ऑर्डर न्यूरो ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट एंड वॉट आर द अपर मोटर न्यूरोन द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोस्ट ऑर्डर न्यूरो आर नोन एज अपर मोटर न्यूरोन क्योंकि ये अपर एरिया से मैसेडिस को लेके आ रहे हैं सो डिस ट्रैक्ट के ये वाले सारे फाइबर्स कहलाते हैं अपर मोटर न्यूरोन्स ठीक है सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन आर अपर मोटर न्यूरोन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरोन इंपॉर्टेंट है ये इसको भूलनी नहीं है इस बात को ठीक है क्योंकि मैंने आपको बता दिया न्यूरोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा राइट Now the anatomical organization of uh, the descending tracts. Before this, they have given a table which is table 4.4 and that's a beautiful table because it uh, very nicely lists all the descending tracts. जैसे हमने ascending tract में table किया था और मैंने आपको start में बता दिया था कि ये table अभी नहीं पढ़ाऊँगा। जब सारे descending tracts कर लेंगे तो फिर ये table one by one हम cover करते चले जाएंगे। So for example, एक अलग video बनाऊँगा cortico-spinal tracts पे। तो जब cortico-spinal tract पढ़ाऊँ तो ये वाला पूरा रॉ कवर हो जाएगा देन वी विल डिस्कस रेटिकुलो स्पाइनल स्पाइनल ट्रैक ट्रैक सो ऑल दीज आर बेसिकली डिसेंडिंग ट्रैक जिसपे हम अलग अलग वीडियो बनाकर इनको समझेंगे और जब ये वन बाय वन कर लेंगे तो ये पूरा टेबल कवर हो जाएगा सो so इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस टेबल ओके नाउ द एराटोमिकल ऑर्गेनाइजेशन द जनरल ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल एक्टिविटी फ्राम द सेबरल कार्टेक्स एंड अदर हायर सेंटर्स क्योंकि हायर सेंटर्स मेडूला में भी हो सकते हैं हायर सेंटर्स पॉन्स में भी हो सकते हैं so, सो यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है कि द कंट्रोल ऑफ स्केलेटर मसल एक्टिविटी फ्राम आदर द सेब्रल कार्टेक्स और अदर हायर सेंटर्स इज कंडक्टेड थ्रू द नर्वस सिस्टम बाय अ सीरीज ऑफ न्यूरो एंड दीज न्यूरोन्स इन द डिसडिंग पाथवे फ्राम द सेब्रल कार्टेक्स ओफन मेड अप ऑफ

टू साइन एप्स ऑन टू दर्डर न्यूरोन विच इज एन इंटरनेशियल इन दर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल इस डायग्राम को थोड़ा छोड़ा कर लेता हूं ताकि अगेन विजुअल फ्रेम सिंगल हो जाए और बात आराम से समझ में आ जाए सो लेट्स न्यूरोन राइट विच इज कमिंग राइट फ्रॉम दायर सेंटर इसकी जो सेल बॉडी है दैट इज प्रेजेंट इन दल कॉटेक्स ये सेल बॉडी है ना ये वाला जो पार्ट होता है जो मैसेजेस रिसीव करता है दैट इज वॉट वी कॉल द सेल बॉडी और ये सेल बॉडी से निकला यहां पर ये चुन्ना मुन्ना सा लंबा सा चुन्ना मुन्ना डायमीटर में कह रहा हूं है वैसे बहुत लंबा दिस इज द न्यूरोन और ये न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है एक्सॉन सो ये जो एक्सॉन नीचे जा रहा है न्यूरॉन की सेल बॉडी ये रही सेलबल कॉर्टेक्स में और ये एक्सॉन नीचे जा रहा है ये एक्सॉन नीचे जाके साइनाप्स करेगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ इस सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का दूसरा नाम है इंटरनेशियल न्यूरोन

ये ऑलरेडी स्पेनल कॉर्ड में मौजूद है सो इट इज प्रेजेंट इन द द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पेनल कॉर्ड अब जब यहां फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपस में साइनअप कर लेते हैं तो यहां से सेल बॉडी निकलती है थर्ड ऑर्डर न्यूरोन की जो कि ये मौजूद है दिस इज द सेल बॉडी एंड देन द दोज आउटसाइड एज अ नर्व सो अब ये देखो ये जो लोअर मोटर न्यूरोन है ना इसको कई सारे नाम दे दिए हमने इस लोअर मोटर न्यूरोन को हमने थर्ड ऑर्डर न्यूरोन भी कह दिया इनके फाइबर्स को हम नर्व भी कहते हैं आम जबान में दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरोन ओके सो दर्ड ऑर्डर न्यूरोन विच इज द लोअर मोटर न्यूरोन एग्जिट फ्रॉम द एंटीरियर ग्रे कॉलम The axons of the third order neuron innervates the skeletal muscle through the anterior root and the spinal nerve. In some instances, the axon of the in some instances axon of the first order neuron. टर्मिनेट्स डायरेक्टली ऑन टू दर्ड ऑर्डर सच इज इन रिफ्लेक्स आर्क सो रिफ्लेक्स आर्क में सेकेंड ऑर्डर नहीं होता इन्वॉल्व ठीक है तो ये जनलमी आई होप अब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई है डिसेंडिंग uh, ट्रैक्स की क्योंकि जब स्पेसिफिक डिसेंडिंग ट्रैक करेंगे ना तो फिर काफी आसान हो जाएगा अगर आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरऑन क्या है अगर आपको पता है सेकेंड ऑर्डर न्यर ऑन क्या है और अगर आपको पता है थर्ड ऑर्डर न्यूरोन क्या है तो सारे डिसेंडिंग ट्रैक्स बड़े ईजी हो जाएंगे

it's a descending tract. is spinal video-banegi. but what is the job of this particular tract? these pathways uh, are concerned with the voluntary, discrete, skilled movements, especially those of the distal parts of the limb. so, yeah, voluntary movements may involve. then there is a descending pathway, which is called reticulospinal tract. it may facilitate or inhibit the activity of alpha and gamma motor neurons in the anterior gray column, and may therefore facilitate or inhibit the voluntary movements of the reflexes.

प्यूपिलो डायलेशन रिफ्लैक्स इन रिस्पॉन्स टू डार्क जब लाइट चली जाती है अगर घरों में अंधेरा हो जाता है तो दिस इज द ट्रैक्ट विच इज वर्किंग डायलेट हो जाता है एक्टिविटी ऑफ द फ्लैक्सर मसल एंड इनहबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंसर और एंटीग्रेवरी मसल अगेन डोंट वरी अबाउट मोमेंट वी विल हैव डेजिग्नेटेड वीडियो फॉर इच डिस ट्रैक्ट